भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, भगवान राम कृष्ण सबके हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम के लिए उन्होंने बातें कही, मंदिर निर्माण का काम रोकने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, यह कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम को लेकर फिर से सियासत छिड़ गई है। हम सब इस बात को जानते हैं, निश्चित रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम के लिए उन्होंने बातें कही, काम किया, मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो ये कहना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है और ये कांग्रेस का कृत्य उचित नहीं है। देखिए, कौन किसके हैं ये विवाद का प्रश्न नहीं है। हमने पहले बयान दिया था कि राम का उपयोग ये कहां करते हैं, धार्मिक विवाद के लिए, चंदाखोरी नोट के लिए, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए। हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कणकण में राम है, यहां सबरी के राम है, प्रेम करने वाले राम, यहां केवट के राम है, गरीबों को गले लगाने वाले राम है,